Hi everyone, welcome to Sincere Brindy. Odisha Public Service Commission Assistant Horticulture Officer के 2021 का solved paper हम discuss करेंगे आज. Last video में हमने 2019 का paper हमने solve किया था Odisha Public Service Commission का Assistant Horticulture Officer का. So this is solved paper of 2021. I hope जो upcoming exam है AHO का Assistant Horticulture Officer उसके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल होगा. इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स के भी एडीओ एचडीओ के एग्जाम है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन इज थ्रो. सेक्सुअल प्रोपेगेशन जो होता है वो किससे होता है? सीड से, लेयरिंग से. तो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग ये सभी जो है एसेक्सुअल मेथड है प्रोपेगेशन की, राइट? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. सो सेक्सुअल प्रोपेगेशन जो होता है वो सीड से होता है. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ. मेगास्पोर मींस मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल होता है, राइट? और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर पूछता तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है दैट इज पोलन फॉर्मेशन होता है, राइट? नेक्स्ट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ. लो यहीं पे आ गया, राइट? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ पोलन. The albuminous seeds are having amounts of high amounts of. जो albuminous seeds होते हैं उनमें क्या होता है? They have, right answer is A, endosperm होता है. तो albuminous seeds जो होते हैं जिनमें endosperm जो होता है as a food tissue होता है. जबकि जो non endospermic seed होते हैं यानी कि ex albuminous seeds जो होते हैं उनमें cotyledon जो होता है वो food storage tissue होता है actually. Next question is a Bible seed takes dash color during tetrazolium test. Tetrazolium test हम करते हैं viability test करने के लिए, राइट? तो कौन सा कलर की स्टेनिंग होती है बाइबल सीड में? राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, पिंक कलर की. एक्चुअली इसमें रेड कलर की स्टेनिंग होती है बट यहाँ पे हमारा रेड पिंक, तो यहाँ पे पिंक सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज एपोमिक्टिक्स आर ट्रू टू टाइप इन नेचर. फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि एपोमिक्स आर फॉर्म थ्रू वेजिटेटिव मींस. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दोनों ही सही है. एपोमिक्टिक्स मींस की एपोमिक्स जो काइंड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है और ट्रू टू टाइप प्रोड्यूस होता है इसमें. और एपोमिक्स जो होते हैं दे आर थ्रू वेजिटेटिव मींस. नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रोनी इज ड्यू टू. पॉलीएम्ब्रोनी क्यों होती है? जिसका राइट आंसर है आपका सी, बोथ ए एंड बी. न्यूसेलर एम्ब्रोनी की वजह से भी होती है और डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस विद इन द एम्ब्रियो सैक, सो दैट इज आल्सो पॉलीएम्ब्रोनी. तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी. पपाया इज प्रोपेगेटेड थ्रू. पपाया जो है सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप है. राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा, सीड से प्रोपेगेट होता है. नेक्स्ट इज विच इज करेक्ट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मीन्स की सबसे पहले सेल मेटाबोलिज्म होगा, इंक्रीज इन सेल मेटाबोलिज्म इंक्रीज होगा. उसके बाद क्या होगा आपका सेम सीक्वेंस रहेगा, एम्ब्रियो जो है वो रिज्यूम करेगा एक्टिव ग्रोथ, फिर सीड कोट रप्चर होगा और उससे सीडलिंग इमरजेंस होगा. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइला में सेंसिवेरिया आर प्रोपेगेटेड बाय. तो दे आर प्रोपेगेटेड बाय लीफ कटिंग से. नेक्स्ट इज द हीलिंग ऑफ ग्राफ्ट यूनियन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर. यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए. तो सबसे पहले कैलस प्रोडक्शन होगा, उसके बाद वही इंटरमिंगलिंग एंड इंटरलॉकिंग होगी पेरेन्काइमा सेल्स की, दोनों ग्राफ्ट कंपोनेंट्स की, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा एंड फाइनली न्यू वैस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस होंगे. ओके, नेक्स्ट इज द एज ऑफ रूट स्टॉक इन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. इज एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक का एज कितना होता है? द राइट आंसर इज डी, 15 डेज होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन बडिंग इज कमर्शियली प्रैक्टिस्ड इन. जो ग्रीन बेडिंग है हम कौन सी क्रॉप में मेनली यूज करते हैं? तो दैट इज कमर्शियली प्रैक्टिस इन रबर में. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट इज ओके ट्यूनिकेट बल्ब्स, इसमें से हमें मैच करना है, ठीक है? ट्यूनिकेट बल्ब किस में होते हैं, नॉन ट्यूनिकेट किस में होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, यानी कि जो ट्यूनिकेट बल्ब होते हैं वो आपके होते हैं आपके इसमें अनियन में, राइट? और जो नॉन ट्यूनिकेट बल्ब होते हैं वो लिली में होते हैं, राइट? ट्यूनिकेट अनियन में होंगे, नॉन ट्यूनिकेट लिली में होते हैं, राइट? और स्टेम ट्यूबर मींस पोटैटो में जो होता है जड़ी स्टेम ट्यूबर होता है, और रूट ट्यूबर हो जाएगा आपका स्वीट पोटैटो में. नेक्स्ट इज ओके इन बीच ऑफ द ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट ग्रोज हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी, जो राइजोम में मेन एक्सिस जो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है प्लांट. क्रायो प्रिजर्वेशन हम करते हैं, एक्चुअली क्रायो प्रिजर्वेशन जो की जाती है लिक्विड नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है. तो ये होना चाहिए था लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, लिक्विड नाइट्रोजन पे बट एट -196 पे. ओके ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी सोर्स इन माइक्रो प्रोपेगेशन मीडिया इज
एनर्जी सोर्स क्या होता है? सुक्रोज होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। पाइनएप्पल कैन बी प्रोपेगेटेड बाय, पाइनएप्पल इज प्रोपेगेटेड बाय ऑल ऑफ दिस, कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू सकर्स, स्लेब्स, क्राउन। नेक्स्ट इज डॉगरेज इज द रूट स्टॉक ऑफ, डॉगरेज जो है दैट इज द रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप वाइन। राइट आंसर इज ए। ओके, वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल कैन बी प्रोड्यूस थ्रू, फॉर द वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल प्रोड्यूस करने के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर इज सीरियस इन द फॉलोइंग वराइटी। स्पॉन्जी टिश्यू जो है मैंगो का डिसऑर्डर है, कौन सी वराइटी में ज्यादा सीरियस है? तो दैट इज मेनली इन अल्फोंसो मैंगो में। फॉर यूनिफॉर्म फ्लावरिंग एन ए एप्लीकेशन इज फॉलोड व्हेन द क्रॉप अटेन्स, यूनिफॉर्म फ्लावर इंडक्शन के लिए वी गो फॉर द एन ए एप्लीकेशन किस स्टेज पे? एट 35 टू 40 लीफ स्टेज पे। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर गाइनोडायोशिस वैरायटी ऑफ पपाया, इनमें से कौन सी जो गाइनोडायोशिस वैरायटी पपाया की? राइट आंसर इज सी, CO3 जो है वो गाइनोडायोशिस वैरायटी है पपाया की। ओके, द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन ब्रेड फ्रूट इज, ब्रेड फ्रूट जो है वो कमर्शियली प्रोपेगेट होता है थ्रू रूट कटिंग से। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज इन बेयर द फ्रूट बर्ड्स आर बोर्न इन, बेयर में जो फ्रूट बर्ड्स आती हैं वो कौन से सीजन की ग्रोथ पे आती हैं? ऑन द करंट सीजन शूट इन द लीफ एक्सिल में। ओके, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच किया गया? राइट आंसर इज यहाँ पे डी है, बनाना जो वो लंपनेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका ए, यानी कि गुआवा जो है गुआवा की वैरायटी है अर्का अमूल्या, पोमेग्रेनेट की वैरायटी है भगवा। ओके, गुआवा की अर्का अमूल्या, पोमेग्रेनेट की भगवा है राइट, और बेर की वैरायटी है उमरान, पाइनएप्पल की एवेकस। नेक्स्ट इज पाइनएप्पल इज द वैरायटी ऑफ, पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है? राइट आंसर इज बी, स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है पाइनएप्पल। नेक्स्ट इज बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू, बिटर पिट जो होता है एप्पल में कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, एंड दैट इज द रूट स्टॉक यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग इन सपोटा, तो राइट आंसर इज डी, पाला इज द रूट स्टॉक है सपोटा के लिए। ओके, बियरिंग हैबिट ऑफ जैक फ्रूट की बियरिंग हैबिट कैसी होती है? तो राइट आंसर इज बी, कॉलीफ्लोरस होती है, जैक फ्रूट की बियरिंग हैबिट जो होती है दैट इज कॉलीफ्लोरस। नेक्स्ट इज पोलार्डिंग या डी हॉर्निंग इज प्रैक्टिस्ड इन, राइट आंसर इज सी, गुआवा में हम करते हैं पोलार्डिंग या डी हॉर्निंग। अर्का सहान इज द वैरायटी ऑफ, अर्का सहान किसकी वैरायटी है? दैट इज द वैरायटी ऑफ कस्टर्ड एप्पल की वैरायटी है, राइट आंसर इज ए। द अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज M27। लीची इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड थ्रू, लीची कमर्शियली प्रोपेगेट होती है एयर लेयरिंग से। ओके, द जीनोम ऑफ नेंद्रेन बनाना का जीनोम क्या है? दैट इज ट्रिप्लॉइड है, AAB जीनोम है। द फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो इज मिनिमाइज्ड बाय, मैंगो में फ्रूट ड्रॉप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ NAA। द सक्सेस ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग रिलाइज ऑन यूज ऑफ ड्वार्फ वैरायटीज, ड्वार्फ रूट स्टॉक या ग्रोथ रिटार्डेंट, राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। डैश इज यूज टू इंड्यूस ऑफ सीजन फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में ऑफ सीजन फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए हम किसका स्प्रे करते हैं? राइट आंसर इज सी, पैक्लोब्यूट्राजोल का। ओके, पंच शिवानी इज द वैरायटी ऑफ, पंच शिवानी किसकी वैरायटी है? बेल की वैरायटी है। अरेका नेट इज प्रोपेगेटेड बाय, अरेका नेट जो होता है कमर्शियली प्रोपेगेट होता है सीड से। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI ये कहाँ पे है? आपका कसरगोड में है। ओके, नेक्स्ट इज हाईली अडेप्टेड टाइप ऑफ ककोआ टू इंडियन कंडीशन इज, इंडियन कंडीशन के लिए जो सबसे ज्यादा अडेप्टेड ककोआ है वो कौन सा है, वैरायटी है? राइट आंसर इज ए, फॉरेस्टरो। ओके, इन कोकोनट द मदर पाम शुड हैव ए यील्ड ऑफ डैश नट्स पर ईयर, इसका राइट आंसर है आपका बी, 120 नट्स पर ईयर इसमें प्रोड्यूस होने चाहिए मदर पाम में। नेक्स्ट इज इन अरेका नट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कालीपक नट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर, कालीपक वैरायटी है अरेका नट की, उसमें वी गो फॉर द नट्स हार्वेस्टिंग फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज के लिए, अगर हमें नट्स को हार्वेस्ट करना है किस स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं? राइट आंसर इज बी, 6 to 7 month old। ओके, डैश इज द लीडिंग स्टेट इन कैश्यू नट प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कैश्यू नट सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज डैश इज द वैरायटी ऑफ पालमीरा पाम, तो पालमीरा पाम की वैरायटी है SVPR1। ओके, नेक्स्ट इज काही कुची इज द रेकनेट वैरायटी पॉपुलर इन, तो ये वैरायटी जो काही पॉपुलर है असम में। द क्वालिटी सीडलिंग इन कोकोनट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन, कोकोनट में जो क्वालिटी सीडलिंग सिलेक्ट करते हैं किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं? राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। हम ये भी दैट शुड बी अर्ली होनी चाहिए, विग्रस होनी चाहिए, मैक्सिमम गर्थ होनी चाहिए बेस में, एंड अर्ली स्प्लिटिंग ऑफ लीव्स होनी चाहिए उसमें। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैशियो प्रोसेसिंग इज
इसका राइट आंसर है आपका ए। पहले रोस्टिंग करेंगे, देन शेलिंग, देन पीलिंग एंड फाइनली ग्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर राइट आंसर जगह 52 में आपका, दैट इज पीरियड ऑफ ब्लॉसम शावर रेन इज फॉर कॉफी इन साउथ इंडिया इज, दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल। दैट इज द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली टी जो है दैट इज दैट मैचेज विद योर, टी का जो ओरिजिन है दैट इज योर चाइना, राइट। एंड देन आप देखेंगे कोकोवा, कोकोवा का जो ओरिजिन है दैट इज योर ब्राजील है। एंड देन कॉफी की अगर हम बात करेंगे तो कॉफी इज फ्रॉम इथियोपिया, एंड कैश्यू की बात करेंगे तो फ्रॉम साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज ओके चंद्रागिरी इज द वैरायटी, चंद्रागिरी किसकी वैरायटी है, तो चंद्रागिरी जो है दैट इज द वैरायटी ऑफ, राइट आंसर इज सी, कॉफी की वैरायटी है। इन टी हार्वेस्टिंग रेफर्स टू, तो टी में हार्वेस्टिंग मीन्स रिमूवल ऑफ 2 to 3 लीव्स एंड ए बड, विच इज करेक्टली मैच्ड स्पेसिंग फॉर टी, राइट आंसर इज यहाँ पे सी हो जाएगा। कंटूर डबल है सिस्टम में 1.3 मीटर बाय 0.75 मीटर एंड 0.75 मीटर का स्पेसिंग रखते हैं। ओके, विच इज नॉट ए कवर क्रॉप फॉर रबर, रबर के लिए कवर क्रॉप नहीं है, तो राइट आंसर इज ए, सिस्वेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। द हाइएस्ट टैपिंग इंटेंसिटी सिस्टम इन रबर इज, तो दैट इज सी, S2D1। द एनुअल एनपीके रिक्वायरमेंट ऑफ कोकोवा का कितना होता है, राइट आंसर इज बी, 140 एंड 140 ग्राम पर ट्री। डैश इज ए डायोशिस पाम, इनमें से कौन सा जो डायोशिस पाम है, राइट आंसर इज ए, पालमीरा पाम जो होता है वो डायोशिस पाम होता है। डैश इज डैश पार्ट ऑफ ऑयल पाम ट्रीज गिव्स मैक्सिमम ऑयल रिकवरी, तो मैक्सिमम ऑयल रिकवरी जो है ऑयल पाम ट्री में कौन से पार्ट से होता है, राइट आंसर इज बी, मीजोकार्प से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ बिटरनेस इन वाइल्ड फॉर्म ऑफ बोटल गॉर्ड, तो वाइल्ड फॉर्म ऑफ बोटल गॉर्ड में बिटरनेस क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कुकुरबिटेसिन। पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है, पूसा चिकनी जो स्पॉन्जबॉट की वैरायटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज फॉलोड इन डल लेक ऑफ कश्मीर वैली, तो डल लेक जो वहां पे फ्लोटिंग टाइप गार्डन फॉलो किया जाता है, राइट आंसर इज बी। वर्षाफार किसकी वैरायटी, वर्षाफार ओकरा की वैरायटी है, राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट इज कंटेंडर इज ए वैरायटी ऑफ, कंटेंडर जो दैट इज अ वैरायटी ऑफ फ्रेंच बीन। ग्वार गम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ग्वार गम जो क्लस्टर बीन से एक्सट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, कौन सी इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, एग प्लांट। एग प्लांट में एक्चुअली हेट्रोस्टाइली फिनोमिनन होता है जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, राइट। तो हेट्रोस्टाइली इज फाउंड इन विच क्रॉप, तो हेट्रोस्टाइली भी हम कह सकते हैं दैट इज फाउंड इन एग प्लांट में। ओके, ट्रिपलोइड वाटरमेल की वैरायटी कौन सी है, इसमें से पूसा बेदाना। नेक्स्ट इज विप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होता है, राइट आंसर इज डी। क्रैकिंग ऑफ टोमेटो फ्रूट इज ब्रॉट अबाउट बाय, क्रैकिंग जो होती है टोमेटो में दैट इज मेनली ड्यू टू पीरियड ऑफ ड्राउट फॉलोड बाय सडन हैवी इरीगेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर स्टाइल ब्रिंजल है, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिंजल में हेट्रो स्टाइल होती है, तो लॉन्ग स्टाइल भी होते हैं, मीडियम स्टाइल भी होते हैं, और सूडो शॉर्ट स्टाइल भी होते हैं, और ट्रू शॉर्ट स्टाइल भी होते हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं एक्चुअली, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नॉब इज इकोनॉमिक पार्ट ऑफ नॉल खोल का। साइटोप्लाज्म मेस्टेटी इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सीएमएस, हम यूज करते हैं अनियन में। येलो बीन मोज़ेक वायरस के लिए ट्रांसमिटर क्या है, वेक्टर कौन सा है, बाय बीएमपी का उपक्रम है, राइट आंसर इज डी, व्हाइट फ्लाई। ओके, स्वीट पोटैटो इज प्रोपेगेटेड बाय, स्वीट पोटैटो मेनली प्रोपेगेट होता है वाइन कटिंग से, राइट आंसर इज सी। पूसा मंजरी इज ए हाइब्रिड, पूसा मंजरी इज द हाइब्रिड ऑफ बोटल गॉर्ड का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट ड्यू टू ब्राउन डेफिशिएंसी से नहीं होता है, ब्लैक हार्ट ऑफ सेल रे, राइट आंसर इज यहां पे ए हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। कैरेट स्प्लिटिंग बोरोन से होता है, ब्राउनिंग कॉलीफ्लावर बोरोन की डेफिशिएंसी से, क्रैक्ड स्टेम ऑफ सेल रे दैट इज आल्सो बोरोन डेफिशिएंसी से, बट ब्लैक हार्ट ऑफ सेल रे जो होता है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। टोमेटो वैरायटी दैट सेट्स फ्रूट इन हॉट टेम्परेचर में, हॉट सेट वैरायटी है, राइट आंसर इज आपका बी, पूसा हाइब्रिड 1। पूसा शीतल जो कोल्ड सेट वैरायटी है, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी सीड, इंप्रूव्ड कल्चर प्रैक्टिसेस, प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन, तो ये सभी जरूरी है, राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी, कॉक्सिनिया। ओके, द प्रोपेगेशन ऑफ बुश पेपर इज डन बाय, बुश पेपर का प्रोपेगेशन जो होता है दैट इज थ्रू रनर्स से होता है। विच ऑफ द क्रॉप हैज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बट एक्ट एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल स्पाइस। नेक्स्ट इज वेनिला इज प्रोपेगेटेड बाय, वेनिला मेनली प्रोपेगेट होता है आपका स्टेम कटिंग से। कार्डमम का सीड रेट कितना होता है पर हेक्टेयर, राइट आंसर इज ए, 500 ग्राम पर हेक्टेयर। ओके, assertion is cardamom fruits have to be harvested at full ripe stage पे,
रीजन फ्रूट्स फुली राइप स्टेज हैज टेंडेंसी टू स्प्लिट ऑन ड्राई। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर जानना चाहिए था, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, द ऑर्किड ग्राउन एज स्पाइस इज, कौन सा ऑर्किड है जिसको हम एज ए स्पाइस ग्रो करते हैं, तो डेट इज योर वेनिला। द सीड रेट ऑफ टर्मरिक कितना होता है पर हेक्टर, राइट आंसर इज सी 2500 केजी राइजोम पर हेक्टर। डैश इज द जिंजर वैरायटी डेवलप्ड बाय हाई अल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन पोटांगी ओडिशा, द राइट आंसर इज बी सुरुचि। द ड्यूरेशन ऑफ कोरिएंडर की ड्यूरेशन कितना होता है, लगभग 100 डेज तक रहता है। सीड स्पाइस इज टॉलरेंट टू फ्रोस्ट एंड फ्रीजिंग वेदर, कौन सा सीड स्पाइस है जो कि फ्रोस्ट टॉलरेंट है, राइट आंसर इज डी फेनुग्रीक। ओके, अल्टरनेट बेरिंग इज एसोसिएटेड विद क्लोव। Seedling progenies of nutmeg segregate into male and female in the ratio of 1:1. Okay, quills, feathering and chips, these are grades in, किसके grades हैं? Cinnamon के grade हैं। Direct sowing of periwinkle requires seed rate of 2.5 kg per hectare seed rate होता है। Match the following में अगर match करें तो right answer यहाँ पे B हो जाएगा। Means digitalis जो होता है that is biennial in nature। देन अगर हम बात करें इसबगोल की, इसबगोल इज स्टेमलेस एनुअल है। अगर हम बात करें रावोल्फिया की, तो रावोल्फिया जो है डेट इज पेरिनियल इन नेचर। अगर हम बात करें कोलियस की, तो डेट इज एक्चुअली हर्बेशियस एनुअल। ओके, द सेंसो सेनोसाइड कंटेंट इन अलेक्जेंड्रियन सेना इज, राइट आंसर इज ए 2-5% होता है। ओके, लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लेमन ग्रास ऑयल दैट इज मेनली फ्रॉम सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुओसस से एक्सट्रैक्ट होता है। जेरेनियम जो होता है दैट इज प्रोपेगेटेड थ्रू टर्मिनल कटिंग्स, विच इज करेक्टली मैच्ड, द राइट आंसर यहाँ पे है आपका डी, मेंथा सिट्रेटा जो है दैट इज नोन एज बर्गेमोट मिंट। ओके, सिम कंचन इज द वैरायटी ऑफ, दैट इज द वैरायटी ऑफ ओसिमम सैंक्टम की। द स्पीसीज ऑफ जैस्मिन हाईली सुटेबल फॉर कंक्रीट एक्सट्रैक्शन, that is jasminum grandiflorum। The flower color of CO2 chrysanthemum variety का flower color कैसा होता है, that is purple color की variety है। Seed rate कितना होता है per hectare marigold के लिए, that is 1.5 kg per hectare। Tuberose belongs to which family, tuberose belongs to family Amaryllidaceae। Okay, Kikis is the propagation material of orchids का। The flower color of cassia fistula is yellow। Okay, the botanical name of bottle brush tree is Calestemon lanceolatus, which is a climber, इनमें से कौन सा climber है, that is Begonia venusta। Okay, which is a flowering annual, flowering annual कौन सा है इसमें, all of this, ये सभी जो है cosmos, petunia, celosia, ये सभी flowering annual है। Which is living component of a garden, कौन सा होता है, topiary। Okay, the ploidy level of daily crocentra is, that is triploidy nature है। बुलहेड किसका डिसऑर्डर है, बुलहेड जो है रोज का डिसऑर्डर है। ग्लैडुलस इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड थ्रू कॉम से प्रोपेगेट होता है। पिंचिंग मेनली प्रैक्टिस करते हैं हम सभी में, क्राइजेंथेमम में भी, मैरीगोल्ड कार्नेशन। ओके, एसेंशियल ऑयल यील्डिंग फ्लावर क्रॉप कौन सी है, दैट इज ट्यूबरोज। द लॉन ग्रास सुटेबल फॉर शेड सिचुएशन के लिए कौन सी है, दैट इज स्टेनोटेफ्रम। ओके, डेजर्ट रोज इज, तो दैट इज एडिनियम ओवेसम, जिसको हम डेजर्ट रोज कहते हैं। कैलेक्स स्प्लिटिंग दिस इज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद कार्निशन। ओके, इकेबाना इज ए टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट प्रैक्टिस इन जापान में। वनम्स एंड आश्रम्स दीज आर द की कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ गार्डन, तो ये हिंदू गार्डन के मेन कंपोनेंट है। ओके, द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफाइड क्लास ऑफ टोमेटो इज 70% चाहिए। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना चाहिए फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कोकरबिट में, फाउंडेशन के लिए 1000 मीटर, और सर्टिफाइड के लिए होता तो 500 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज फर्मनेस, ए डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस और क्रिस्पनेस ऑफ फ्रूट इज मेयर्ड बाय यूजिंग, फर्मनेस को मेयर करने के लिए यूज करते हैं हम पेनिट्रोमीटर। कोटिंग्स आर अप्लाइड टू फूड, कोटिंग क्यों अप्लाई करते हैं, राइट आंसर इज डी। अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, टू प्रोवाइड बैरियर टू मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर एंड टू एड वैल्यू टू बेसिक प्रोडक्ट। सागो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कसावा रूट से, राइट आंसर इज बी। बट इज पोटपोरी, पोटपोरी इज ए ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट। द सबस्ट्रेट फॉर इथाइलिन प्रोडक्शन इन प्लांट इज मिथियोनिन। डेसीडुअस फ्रूट ट्रीज अंडरगो डोरमेंसी ड्यूरिंग विंटर में, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर पर कैपिटा वेजिटेबल रिक्वायरमेंट इज
300 ग्राम वेजिटेबल हमें कंज्यूम करनी चाहिए डेली। द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज फॉर एस्थेटिक और साइंटिफिक और एजुकेशन पर्पस इज नोन एज अर्बोरिकल्चर। डैश टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लॉमी सॉइल। द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ प्लांट इज नोन एज ग्रोथ। ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लोरल प्राइमोर्डिया इमर्जेंस एंड स्पेथ ओपनिंग इज कोकोनट इज 32 मंथ लगते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अकोमोडेट्स डैश परसेंटेज ऑफ मोर ट्रीज देन स्क्वायर सिस्टम। तो हेक्सागोनल में 15% ज्यादा प्लांट्स आते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। ओके, द कॉमनली एम्प्लॉयड प्लांटिंग सिस्टम इन अंडुलेटिंग स्लोपी हिल्स इज कंटूर प्लांटिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को हमने देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन। मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, इजी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, प्लांट्स कैन बी ग्रोन ओनली इन स्पेसिफिक सीजन इन ए ईयर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ओनली 1 और 2 ट्रू है, क्योंकि हम किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं एक्चुअली प्लांट्स। हाइड्रोपोनिक आपका WF जेरिक ने दिया था राइट आंसर बी। परमानेंट कवर ऑफ ग्रास इन द फ्रूट ऑर्चर्ड इज नोन एज सॉट। ओके, द क्रॉप ऑक्यूपाइंग फर्स्ट टायर इन मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम इज कोकोवा। ए फ्रूट ट्री विथ डैश नंबर ऑफ स्कैफोल्ड ब्रांचेज इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग वन। तो 5 to 8 अगर स्कैफोल्ड ब्रांचेज हो तो उसको मानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रूट ट्री है। ओके, कॉमन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग प्रैक्टिस इन ग्रेप एंड कुकरबिट इज बोर सिस्टम। नोचिंग इज प्रैक्टिस इन नोचिंग जो हम कौन से इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इसका राइट आंसर है आपका सी, फिग में। ओके, नेक्स्ट इज ग्लैडियोलस इज प्रोपेगेटेड बाय, ग्लैडियोलस मेनली प्रोपेगेट होता है क्रॉम से। द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग द ग्रोइंग पॉइंट इन शेड ट्री इज नोन एज पोलार्डिंग। द रीजन फॉर रिक्वायरिंग क्रॉस पोलिनेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज डायोशी, डाइकोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये सभी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं। स्टेनोस्पर्मोकार्पी इज एसोसिएटेड विथ, दैट इज मेनली फाउंड इन थॉम्सन सीडलेस वैरायटी। रूटिंग हार्मोन कौन सा होता है, IBA। डैश इज यूज टू इंड्यूस मोर फीमेल फ्लावरिंग कुकरबिट्स, फीमेलनेस के लिए यूज करते हैं इथरल। ओके, फ्रूट साइज ऑफ ग्रेप इज एनहांस्ड बाय, GA3 यूज करते हैं बट 50 ppm। द ब्राइन सोल्यूशन कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, 15% सॉल्ट होता है। द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज डैश किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है दैट इज अबाउट 14 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल होती है। द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट इज दैट इज राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट द हायर अल्टीट्यूड इज कॉल्ड क्लाउड। डैश आर द लाइन्स कनेक्टिंग वेरियस लोकेशंस हैविंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। डिफरेंट लोकेशंस को जो लाइन कनेक्ट करती हैं विच आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, दोज लाइन्स आर नोन एज आइसो हाइट्स। ओके, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज एट देहरादून में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सैंडी सॉइल्स आर कोर स्ट्रक्चर, दे हैव लार्ज पोर स्पेसिस। राइट आंसर इज ए, दे आर कोर स्ट्रक्चर होती हैं, लार्ज पोर स्पेसिस होते हैं, राइट, बट दे डू नॉट हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन अल्कली सॉइल बट इज अनअवेलेबल इन एसिडिक सॉइल। द राइट आंसर इज बी, बोरॉन। पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट का कितना होता है, 0.002 to 0.02 mm। ओके, द नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है यूरिया में, 46%। न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इज नाइट्रोजन। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन। फ्लडिंग इज फॉलोड फॉर राइट आंसर इज बी, बनाना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन ऑफ वाटर सेविंग ट्रू है, आपका लेबर सेविंग भी करता है और प्लांट बिगर भी इंक्रीज होता है, यील्ड भी इंक्रीज होती है, राइट, इंक्रीज इन वीट ग्रोथ, ये फॉल्स है। ओके, द इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज डिटरमिन्ड बाय ऑल ऑफ दिस, नेचर ऑफ सॉइल, रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन बाय प्लांट्स, रूट सिस्टम ऑफ क्रॉप। द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी सप्लाइड टू द क्रॉप इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिएंट एब्सेंसी। द बीज सच एज सिनोपोडियम एंड पोर्टुलेका आर हैविंग मोर एफिनिटी टू पोटाशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल इन वीट कंट्रोल। द राइट आंसर इज बी, इंट्रोडक्शन। डैश आर द केमिकल्स कैपेबल ऑफ किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ वीट प्लांट, तो दे आर नोन एज हर्बिसाइड्स। साइप्रस रूटेंडस इज बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाय
बैक्ट्रा वेरुचान, विच इज ए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, कौन सा है? राइट आंसर इज डी ग्लाइफोसेट। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा कहाँ पे है? राइट आंसर इज ए हैदराबाद। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई लैंड जोन इज प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट इज ए डैश टाइप ऑफ एंटी ट्रांसप्लांट, दैट इज योर स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसप्लांट। एप्लीकेशन ऑफ डैश एनहांस वाटर अपटेक एज वेल एज द वाटर रिलेशन इन द प्लांट टिश्यूज, राइट आंसर इज बी पोटाशियम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एम्फेसिस ऑन, राइट आंसर इज थ्री। तो सभी आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर ट्रू हैं, मीन्स की इंट्रोड्यूस ए चेंज इन द फार्मिंग टेक्निक्स, द फार्म बेस्ड आर बेटर रिसाइकल्ड एंड अ जुडिशियस मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ अब, मीन्स क्रॉप्स लाइफ स्टॉक बर्ड्स IFS के कंपोनेंट है। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन? पंजाब में। फार्मिंग सिस्टम इज ए होलिस्टिक अप्रोच, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम इज अदरवाइज नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। टोमेटो हाइड सीड प्रोडक्शन में फीमेल टू मेल रेशो, दैट इज यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका 4:1। ओके, सीड कंट्रोल ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1983 में। नेक्स्ट इज फॉर सीड प्रोडक्शन, सीड रेट फॉर बेलरी अनियन इज 8 kg पर हेक्टर। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन एमरेंथ इज 200 meters, और फाउंडेशन के लिए पूछता तो 400 meters। डैश इज ए डेजिग्नेटेड डिजीज इन बीन सीड प्रोडक्शन में, तो डी ऑल ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट एंथ्रेक्नोस बीन मोज़ेक सभी आती हैं। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज गिवन बाय इक्वल टू फार्मूला बाय अपॉन एक्स, यानी के आउटपुट रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। सिंबल यूज टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया इज एगमार्क। इनकम टैक्स जो होता है दैट इज ए डायरेक्ट टैक्स होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है दैट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज फ्रॉम -1 to +1, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में ए और सी में दोनों में -1 to +1 है, तो दोनों सही है एक्चुअली, ए बी और सी बी बोथ आर करेक्ट। द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सुटेबल फॉर लैब एक्सपेरिमेंट के लिए हम कौन सा डिजाइन यूज करते हैं? लैब एक्सपेरिमेंट के लिए वी यूज CRD, कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन, वेयर आवर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज होमोजीनस। नेक्स्ट इज ए बेल शेप्ड कर्व इज ए कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर ए वेरिएबल इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द फार्मूला फॉर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RVD विद टी ट्रीटमेंट एंड R एप्लीकेशन इज T-1 और R-1, जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। विच इज नॉट ए मीयर ऑफ डिस्पर्सन, राइट आंसर इज डी मीडियन। मीडियन जो है मीयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड, दे आर मीयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द ट्रैप क्रॉप फॉर डायमंड बैक मॉथ इन कैबेज इज मस्टर्ड। बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है इनमें से? बैसिलस थुरिंजेंसिस। सकिंग टाइप पेस्ट कौन सा है? थ्रिप्स इज द सकिंग टाइप पेस्ट। नेक्स्ट इज द स्प्रे वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर पर हेक्टर इन पावर स्प्रेयर इज 450 to 500 liters। नेमाटोड रेपेलेंट क्रॉप इज सन हेम्प इज नेमाटोड रेपेलेंट क्रॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रांडी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। जय हिंद।